सुनो सुन लो ओवैसी, राम मंदिर तो झांकी, अभी बहुत और कुछ बाकी है ये बताया है सर, इस पर क्या कहेंगे? तो हम चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके इस बयान पर बता दें कि सच है। जब उनका कैबिनेट का मंत्री इस तरह की बकवास कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री की ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इस मिनिस्टर के बयान की तस्दीक कर दें। वो क्या कह रहा है, सच कह रहा है क्या? क्या आप काशी मथुरा टीली वाली मस्जिद सुनहरी मस्जिद जितने आरएसएस के पास जो 30-35 हज़ार मसाजिद के लिस्ट है क्या वो सब ले लेंगे क्या आप लोग? तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अपने मिनिस्टर के इस बयान के ऊपर देश को बताएं कि उनकी पॉलिसी क्या है। लेकिन सर आपने भी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया जहां पे आपने कहा कि एक मस्जिद तो आपने खो चुकी है, बाकी मस्जिद भी आर आल्सो अंडर अटैक एंड आप कह रहे हैं कि सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होके लड़ना चाहिए। आपके बयान को प्रोवोकेटिव माना जा रहा है और कम्युनल माना जा रहा है और आपके ऊपर केस भी दर्ज हुआ है सर? देखिए, केस तो दर्ज होते रहता है क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी जो स्पीच हुई है वो सच्चाई पर मुबनी है। क्या बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन डिमोलिश नहीं किया गया था? और जब डिमोलिश किया गया था तो किसी एक को भी सजा नहीं हुई, और मोदी सरकार ने डिसीजन के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? क्या ये बात सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या ये बात सच नहीं है कि बगैर मुस्लिम पक्ष को बताए ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया, और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गईं, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया? ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है, और हमको इस बात का उस वक्त अप्रिहेंशन था जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, वो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट जैसा जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप मेरे को बताइए टीले वाली मस्जिद किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है, और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया, तो पहले वहाँ पर गांवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं, तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहाँ पर संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग या उनकी आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर मैं इन कोशिशों को देश के सामने रख रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं तो सच्चाई का काम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का क्या मौकफ है? क्यों नहीं केंद्र सरकार, वजीर आजम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे, उसको अबाइड करेंगे, खत्म खिस्सा खत्म कर दीजिए ना। जब आप 91 के एक्ट को मानेंगे तो सब किस्सा खत्म हो जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि कोई मस्जिद के ऊपर कोई तमाशा ना हो, सब खत्म हो जाएगा।